Welcome to the Urdu Khan Academy. Today topic is about the subbituminous coal. What is the subbituminous coal? Do you know about the subbituminous coal? Subbituminous coal is also called as the koila. Let's next discuss about the subbituminous coal. Students, subbituminous coal is a black. First of all, you must remember that it is the black, okay? Blackish compound. It is the black, okay? High moisture content present in the subbituminous coal, ठीक है, subbituminous coal में bituminous से ज़्यादा moisture content, ठीक है, आपके पास round about 20 to 30%, ठीक है, it varies from place to place, reason is that Indian coal में आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, जबकि पाकिस्तानी coal में कहीं पे आपके पास 20% भी होगा, ठीक है, 25 भी मिलेगा, 30 भी मिलेगा, 35 तक भी मिलेगा. हाई वॉलेटाइल मैटर कंटेंट है, आई थिंक ओपी गुप्ता के मुताबिक 40% आपके पास क्या मिलता है, वीएम मैटर मिलता है. वीएम इज अ गैशियस मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, किसी बहुत सारी चीज़ें आपके पास आती हैं, जो आपके इसका अंदर कार्बन है, कार्बन कितनी है, 70 to 80% कार्बन चाहिए, कार्बन कंटेंट है. ऑक्सीजन कंटेंट आपके पास 10 to 20% अवेलेबल है. नॉन कोकिंग कोल है, नॉन कोकिंग कोल. अब नॉन कोकिंग कोल का मतलब क्या है, कि कोक नहीं बनती जिसका, इसका पोरस मटेरियल नहीं बनता, हार्ड मटेरियल नहीं बनता, ठीक है, जो आपका कोक है वो नहीं बनती इसकी. HHV या जिसको आप क्या कहते हैं, GCV. व्हाट इज द GCV? कल भी मैंने आपसे पूछा था, GCV इज द हीटिंग वैल्यू, व्हेन यू हीट और बर्न द कोल, व्हेन यू बर्न द कोल, जो एनर्जी रिलीज होती है, जो हीट में चेंज आता है, वो आपके पास क्या है, क्लोरीफिक वैल्यू है. अब ये क्लोरीफिक वैल्यू इसकी कितनी है, 7000, राउंड अबाउट द 7000 है. नेक्स्ट देखते हैं, सबबिटुमिनियस कोल जो है, इसकी प्रॉपर्टीज में, इट इज़ द डेंस, डेंस है, ये हार्डर है, ये क्या है, हार्डर है, डेंस मटेरियल है, सख्त होता है, ठीक है, हार्डर देन लिग्नाइट. लिग्नाइट को हमने ये बात पढ़ी थी कि दिस इज द लिग्नाइट, आप इसको हाथ से पकड़ेंगे, जैसे ही आपने इसको पकड़ा, ये ब्रेक करना शुरू कर देगा, ह्यूम ब्रेक करेगा, ठीक है. सबबिटुमिनियस हैज आल्सो द क्वालिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये भी ब्रेक करता है, लेकिन उस रेशियो में ब्रेक नहीं करता जिस रेशियो में लिग्नाइट ब्रेक करता है, ठीक है, फ्राइबल है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना डिफ़िकल्ट है, ट्रांसपोर्ट की सिचुएशन इसकी क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मुश्किल से ये ले जाया जाता है. और जो आपके पास है, रीजंस क्या हैं, रीजंस ये हैं कि भाई बोल तो मॉइस्चर कॉन्टेंट है, मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा, वेट लॉस करेगा, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा. दूसरा आपके पास फ्राइबल है, पाउडर बनेगा, ठीक है, पाउडर होगा, पाउडर होगा, जिससे क्या होगा कि आपके पास मटेरियल ज़ाया होगा, और पाउडर के अलावा ये फिर जब इन्वायरमेंट में जाएगा पाउडर, तो ये पोल्यूशन कॉज करेगा. जो आपके पास सोर्सेज हैं, इसके जर्मनी है, UK, इंडिया है, कश्मीर है, पाकिस्तान है, कनाडा है, बहुत सारे मुल्क हैं. पाकिस्तान को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें सब बिटुमिनियस कोल, और द बिटुमिनियस कोल इज वेरी वेरी रेयर, सम माइंस प्रोड्यूस इन द कश्मीर एंड बलूचिस्तान, बट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज वी आर पाकिस्तानी. सो बट इंडिया इज अ मेजर सोर्स ऑफ द सब बिटुमिनियस कोल. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ द कोल. कौन से कोल की, बिटुमिनियस कोल.
ये जो आपका बिटुमिनियस कोल है इसका अल्टीमेट अप्रोक्सीमेट क्या है? बिटुमिनियस कोल के अप्रोक्सीमेट में आपके सामने लिखा हुआ है मॉइस्चर 10 to 20%, दिस इज ऑल अबाउट द परसेंटेजेस, ठीक है। एश 3%, 3 to 5% भी हो सकती है। वीएम 40%, एक्स कार्बन 70%, कार्बन कंटेंट 70 to 80%, हाइड्रोजन 4.5%, ऑक्सीजन 2.0%, सॉरी 20%, इट इज़ द 20% बनल, नाइट्रोजन 0.6%, सल्फर 0.6%। अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है? अल्टीमेट एनालिसिस इज द एलिमेंटल एनालिसिस। इस एलिमेंटल एनालिसिस में हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये एक कोल के स्ट्रक्चर के अंदर जो कोल आपके पास अवेलेबल है इसमें एलिमेंटल फॉर्म में सल्फर कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, ये सल्फर। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट कौन सा है कि ये आपके पास ऑक्सीजन कितना है, फिर नाइट्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है। व्हाई वी नॉट इट, क्यों हमें ये सब चीज़ें इसलिए मालूम करनी हैं ताकि हमें एक ख़ास क्लोरीफिक वैल्यू चाहिए, एक ख़ास हीटिंग वैल्यू चाहिए। हमें हर हीटिंग वैल्यू का कोल नहीं चाहिए। अब हम कोल को बर्न करें उसे हमें एनर्जी लो मिले, हमें वो कोल नहीं चाहिए। हम कोल को बर्न करें वो इसीलिए बर्न ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हमें उसका एलिमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। और जो आपका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है ये तो जस्ट मेजर लाइट व्यूज आपको बताता है कि अबाउट द मॉइस्चर, मॉइस्चर कितना है, ऐश कितनी है, आपका वीएम कितना है, जलाने के बाद आपका कोल का रेजिड्यू कितना बचेगा, जब आप बर्निंग करेंगे तो हीटिंग वैल्यू कितनी रिलीज हो जाएगी, फिक्स कार्बन क्या होगी। इसके जो यूजेज हैं, यूजेज इसके वही हैं जो बिटुमिनियस के पड़ेंगे, पावर जनरेशन में, ठीक है, स्टीम इंजन चलाने में, गैशियस प्रोडक्ट बनाने के अंदर, फर्टिलाइजर्स बनाने में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज अबाउट बिटुमिनियस कोल और सब बिटुमिनियस कोल ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बिटुमिनियस एंड एंथ्रासाइट पर डिस्कस करेंगे। गुड बाय।